नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पुरंजन ज्योतिष की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर पे कौन सी स्थान पे तिल रहने पर वो जातक की जिंदगी में कैसे प्रभाव देता है। अब तक आप जान ही चुके हो कि ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आपके अपनों में शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप पुरंजय एस्ट्रोलॉजी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन और ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस करना, ताकि इस चैनल का कोई भी अपडेट सबसे पहले आप पा सके और उसको अपने जिंदगी में प्रयोग करके अपने जिंदगी को बेहतर बना सके। चलिए जानते हैं आज के विषय के बारे में। अगर कोई जातक के कपाल यानी के फोरहेड के दाएं तरफ नाक के ऊपर तिल रहता है, तब वो जातक के लिए धन और मान सम्मान का कारण होता है। किसी के अगर आंखों के नीचे तिल रहता है तो वो जातक अध्यवसायी यानी के स्टूडियस होता है। अगर किसी के गाल पे तिल रहता है तो वो दरिद्र होता है, यानी कि गरीबी में उसका जिंदगी चलता है। अगर कोई जातक या जातिका के होठ पे तिल रहता है तो वो जातक और जातिका बहुत रोमांटिक स्वभाव के होता है। अगर कोई भी जातक या जातिका के गले पे तिल रहता है तो वो शादी करने के बाद बहुत सारा धन संपत्तियों को लाभ करता है। अगर किसी भी जातक या जातिका के सीने पे तिल रहता है तो वो स्वस्थ शरीर और सौभाग्य का लक्षण होता है। अगर शरीर के दाएं साइड सीने पे तिल रहता है तो वो जातक दिखने में बहुत अच्छा होता है। अगर किसी भी जातक या जातिका के पेट पे तिल रहता है तब वो जातक ज्यादा भोजन करता है और स्वाभाविक दिख से वो शेल्फिश होता है। अगर किसी भी जातक के दाएं हाथों पे तिल रहता है तो वो जातक शक्तिशाली और इस स्वभाव के व्यक्ति होता है। अगर किसी जातक या जातिका के आईब्रो के नीचे तिल रहता है तब वो क्लेश और गरीबियों का कारण होता है। अगर किसी के कपाल यानी के फोरहेड के बाएं तरफ तिल रहता है तो वो दुख और असत चरित्र दर्शाता है। किसी के नाक के दाएं तरफ के तिल उसको दीर्घायु, धनवान और ज्ञानी होने का संदेश देती है। नाक के बाएं तरफ का तिल गरीबी और मूर्ख होने का चिन्ह माना जाता है। जातक और जातिका के कान पे तिल उसका सौभाग्य और नेम और फेम का कारण होता है। अगर किसी के दाहिने पैर पे तिल है तब वो ज्ञानी होता है। अगर किसी के बाएं गालों पे तिल है तो वो दाम्पत्य जीवन में सुख तो लाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्लेश और गरीबियों को दर्शाता है। दोस्तों, प्लीज कमेंट करके हमें बताइए आपके शरीर पे जो तिल है और शास्त्रानुसार जो कहा गया है वो आपकी जिंदगी में कितना तक सही दिखाई पड़ता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है तब आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। भारतीय ज्योतिष के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं। पुरंजय ज्योतिष और पुरंजय ज्योतिष के काम के बारे में विस्तारित जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन भी कर सकते हैं। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो पे और एक भारतीय ज्योतिष के चौंका देने वाली विषय को लेके। आप सभी के लिए मेरा शुभकामना के साथ मैं सौरभ अभी के लिए इजाजत चाहता हूँ। आप सभी खुश रहना और आपके अपनों को खुश रखना। नमस्कार।